हाय फ्रेंड्स, मैं मौजूद हूं जनूबी पंजाब के एक छोटे से गांव में। यहां हम गांव की रूटीन तो नहीं देखेंगे, लेकिन लोगों की रूटीन देखेंगे जो गिरदोनवा में, इस गांव के गिरदोनवा में लोग कैसे सुबह सुबह उठते हैं और अपने कामों के लिए चले जाते हैं और क्या क्या काम कर रहे होते हैं। चले हम देखते हैं इनको। ये देखें, ये एक छोटा सा बच्चा लकड़ियों की स्टिक्स की मदद से कर्टन बना रहा है। इन कर्टन्स को लोग अपने घरों में खिड़कियों के सामने लगाते हैं ताकि धूप अंदर ना आ सके और गर्मी की तपश अंदर कम से कम आए। ये देखें, ये खूबसूरत सा डॉगी का घर बनाया हुआ है इन्होंने। इसका वेट 40 से 50 केजी है और ये यहाँ से उठाते हैं और 100 मीटर दूर अपने स्टोर में रख रहे हैं। जीना साडा मुहाल करके वो जग दे लुटेरे दस भी सा पर तू लुटे सानू कमाल कर। इन एरियाज में इतने जानवरों के लिए तो सिर्फ एक से दो लोग ही निकलते हैं, लेकिन ये रोड के पास है इसलिए इनके साथ 5 से 6 लोग हैं।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਖੁੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੱਸ ਕੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਦੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ पानी साफ ਵਤਨਾ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ ਸੜੀਦੇ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀਦੇ ਹੈ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ ਸੜੀਦੇ ਹੈ इनसे मिलते हैं, ये हैं देहात के सपेरे। ਪੁੱਠੇ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕਸਾ ਇਹਨੇ ਕਹਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀ ਇਤਨਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਚਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਹਵਾਏ ਤੇਰੇ ਆ ਭਾਰੀ ਹੋ ਤੇਰਾ दवाई तो आएगी जो खर्चा कर सके अल्लाह दुआ कर दो दुआ दे अल्लाह पाक ने रखे चलो भाई अल्लाह तेनों चंगाई दे चल भाई इन एरियाज में हनी फार्मिंग भी काफी होती है और ज्यादातर लोग जो है ना वो सवाद के एरिया से आते हैं यहाँ सरसों की फसल बहुत आम है इसलिए हनी फार्मिंग इधर बहुत अहम है बादशाह है। क्या बनाने लगे
क्या बनाने लगे? आलू। अब ये लोग सवात से आए हुए हैं इधर हनी फार्मिंग करने के लिए। वो इस एरिया से तकरीबन 900 किलोमीटर दूर है। ये लोग चार चार पाँच पाँच मंथ इधर हनी फार्मिंग करते हैं और फिर अपना सामान लेके यहाँ से चले जाते हैं और फिर सीज़न सरसों के सीज़न पे वापस आते हैं। सवात वाली साइड पे बहुत बड़ी बड़ी रोटियाँ पकाई जाती हैं, तो ये लोग भी उधर से हैं तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी रोटियाँ पका रहे हैं। तवी तो इधर भी इस्तेमाल होती है लेकिन छोटी रोटियाँ पकाई जाती हैं, तो ये तो पूरी पूरी तवी की रोटी बना रहे हैं। इनके पास जो शहद की मक्खियाँ हैं वो सारी पालतू हैं, वो कहीं और नहीं जाती, इन्हीं के पास आती हैं। तो वो सरसों से जो है वो शहद लेके अपने अपने डब्बों में आ जाती हैं और वहाँ वो शहद को जमा करती रहती हैं। इन सब लकड़ी के डब्बों में नीचे एक एक होल है, तो ये सुबह टाइम खोल देते हैं और मक्खियाँ अपने अपने कामों पे निकल जाती हैं और शाम को जब वो वापस आती हैं तो ये इस होल को बंद कर देते हैं, तो रात फिर वो यहीं स्टे करती हैं। एक लड़की है बगैर। जब इन्होंने शहद निकालना होता है तो इन्होंने बेसिकली एक हैंड पंप बनाया हुआ है जो स्मोक प्रोड्यूस करता है, तो वो इसके थ्रू मक्खियों को उड़ा देते हैं और फिर शहद को निकाल लेते हैं। ओए होए, शहद तो बहुत ही आला लग रहा है और मुंह में भी पानी आ रहा है। जो है ना सरसों वाला, ये जम जाते हैं।
हमें दें इजाज़त, किसी और वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।